क्या हाल है दोस्तों। बहुत ही बहुत वेलकम करता हूँ मैं आपका अपने इस कोर्स में। HTML का जो कोर्स चल रहा है, फुल वेब डेवलपर कोर्स का, जो कि एक पार्ट है। सो अभी तक मैंने आपको बताया कि HTML होता क्या है बेसिकली, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी शुरुआत हम करते हैं HTML टेक्स्ट। इसके अंदर एक हेड होता है, एक बॉडी होती है, बॉडी के अंदर सारा माल होता है। तो ये थोड़ा सा वैसे अब्यूजिव वर्ड तो नहीं है ना। हाँ तो ठीक है। सो बेसिकली ये मैंने आपको बताया, मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा मुझे। सो हेलो वर्ल्ड मैंने बता दिया। मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि टैग्स वगैरह क्या होते हैं। अब देखो, बहुत सारे टैग होते हैं और इतने सारे होते हैं कि मैं सब कुछ आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। सो सबसे पहला जो टैग होता है उसको बोलते हैं हेडर टैग, और ये 6 होते हैं, ठीक है। एक होता है H1, ठीक है, इसका मतलब होता है सबसे बड़ा हेडर। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ, देखो हेलो बड़े वाले हेडर, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये आ गया हेलो बड़े वाले हेडर। एक और होता है H2, ये उससे छोटा होता है, हेलो बड़े से छोटे हेडर, ठीक है, मैं हिंदी में लिखा हूँ सॉरी, बट मज़ा आता है। उसके बाद होता है H3, ठीक है, उसका नाम होता है हेलो छोटे से भी छोटे हेडर, भी छोटे हेडर, ठीक है। ऐसे ही H6 तक चलता है, ठीक है। अब मैं सीधा H6 दिखाऊंगा आपको, बाकी आप खुद ट्राई कर लोगे, क्योंकि हेलो सबसे छोटे हेडर, ठीक है, ये देख सकते हो यार, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा लग रहा है मुझे। H1 to H6 हो गए, ठीक है, 4 दिखाए मैंने आपने, बाकी आप ट्राई करना, ठीक है। इसके अलावा एक टैग होता है P टैग, जिसको हम बोलते हैं पैराग्राफ के लिए, यानी ठीक है, P के अंदर क्या होता है, पैराग्राफ आता है। तो जैसे मैं, ये H1 खुद अपने आप में पैराग्राफ क्रिएट करता है, तो H वालों को छोड़ देते हैं, P लिखते हैं, इसके लिखते हैं हम पैराग्राफ की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो देखोगे पैराग्राफ की शुरुआत हो गई, बिल्कुल हो गई। इसके बाद मैं नॉर्मल डेटा, इससे पहले एक नॉर्मल डेटा लिखता हूँ, जैसे हाय, तो ये देख सकते हो। इसके बाद ये पैराग्राफ अगर ना होता तो क्या होता, मैं ये बता देता हूँ आपको। सो इस लाइन को ना यहाँ ऊपर भी एक बार, एक सेकेंड, इस लाइन को क्या करते हैं हम ना, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, और इस हाई के बाद नीचे वाली लाइन में लिखते हैं। तो अब देखोगे ना चिपक गया इसके साथ, यानी पैराग्राफ नहीं बना था। तो पैराग्राफ बनाने के लिए हमने ये करा, पी लगा दिया, ठीक है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अब मान लो ये पैराग्राफ की शुरुआत हो गई, इसको आपको बोल्ड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बोल्ड के लिए हम बनाएंगे एक स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग मतलब तगड़ा। सो लिखेंगे स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट या बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। तो आप देखोगे जब ये आएगा, तो आप देखो तो ये बोल्ड आया। अगर मैं स्ट्रॉन्ग की जगह इसको बी भी यूज़ कर सकता हूँ, तो ये भी बी कर देता, ठीक है, तो आप देखो तो बोल्ड अभी भी है, ठीक है। इसको आई कर दूंगा तो ये इटैलिक हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने आई करा, इटैलिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसको यू कर सकता हूँ, यू देखते हैं क्या होता है। तो आप देखोगे तो अंडरलाइन हो चुका होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, इन सारे टैग्स हैं जितने भी, उनको एक साथ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे इटैलिक भी करना है, मुझे बोल्ड भी करना है, मुझे क्या बोलते हैं अंडरलाइन भी करना है, तो इसके अंदर एक और टैग लगा दो बी। अच्छा, जो पहले खुलेगा ना वो लास्ट में बंद होगा, ठीक है, और जो लास्ट में खुलेगा वो पहले बंद होगा, तो ये बात याद रखना। तो पहले खुला था अंडरलाइन, तो अंडरलाइन लास्ट में बंद होगा, बाद में खुला था बी तो पहले बंद होगा, ठीक है। तो अब देख तो बोल्ड भी अंडरलाइन हुई है, इसमें इटैलिक भी डाल देता हूँ, तो इटैलिक डाला मैंने, और यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ, कभी कभी ये ज़बरदस्ती जो आ जाता है ना वो ज़्यादा मेहनत करवाता है। सो देखो तो बोल्ड भी है, इटैलिक भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, सब कुछ है, ठीक है, मस्त है, ठीक है। इसके बाद एक टैग होता है हमारे पास, लेट मी रिमेम्बर, HR टैग होता है। HR क्या करता है, एक लाइन ऐड करता है बीच में बस, ठीक है, तो मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास BR टैग होता है, जिससे हम क्या करते हैं, हम एक एक नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, और हम यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं ऐसे। अब अगर देखोगे तो प्रिंट हो जाएगा एक नेक्स्ट लाइन, एक लाइन छोड़ के, ठीक है, और बहुत ही मतलब अच्छा है टैग, ये काम का है, ठीक है। तो ये तो बेसिक टैग हो गए कुछ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी टैग्स होते हैं, बट मैंने आपको जस्ट एक बेसिक बताया है। और बोल्ड, जैसे मैंने बताया बोल्ड का स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे इम्फेसिस EM करके होता है, बहुत सारे टैग्स होते हैं जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बट ये सबसे ऐसे टैग्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, ठीक है, जिसका मैं आपको बताऊँगा
हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यूज़ क्या होता है, ठीक है। और डिव टैग होता है एक, ये हम यूज़ करते हैं जब हम सी एस एस वगैरह यूज़ करते हैं तब इसका फ़ायदा नज़र आएगा आपको। उसके अलावा स्पैन टैग होता है एक, ठीक है। तो बहुत सारे टैग हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टैग्स हैं। अनलिमिटेड तो नहीं है यार, मतलब ये देख रहे हो ना मेरे पास जितने भी हिंट में आ रहे हैं ना ऑलमोस्ट सारे टैग हैं, तो आप देख सकते हो इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो अभी मैं इसके बारे में, सारे टैग्स के बारे में धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा जैसे जैसे आते जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको बेसिक बता दिया है। इसके अलावा एक और टैग मैं छोड़ भूल चुका था तो वो दोबारा बता देता हूँ। एक होता है ए टैग, जिसके अंदर हम एड्रेस देते हैं, ठीक है, कोई भी। तो इस ये देखो कैसे होता है, जैसे https लगा देता हूँ .google.com, ठीक है। और इस टैग को मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ, जैसे गूगल। तो गूगल लिखा आया, बट उसके नीचे एक एक पतली सी लाइन आई है, ठीक है। यानी ये हाइपर लिंक टैग टैग है, ठीक है। यानी ये लिंक ऐसा है जिसको आप क्लिक करोगे तो आपकी एक वेबसाइट खुल जाएगी। तो मैं आपको इसको ब्राउज़र में खोल के दिखाता हूँ। तो आप जैसे ही गूगल पे क्लिक करोगे ना तो google.com खुल जाएगा। तो बस ये इसका काम है और कुछ काम नहीं है। तो ये सारे टैग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टैग्स। इसके अलावा इमेज इमेज जितने भी टैग होते हैं, टेबल वेबल फॉर्म वॉर्म सब डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, मतलब अगली में नहीं थोड़े लेट में, बट सब करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट चीज़।